here, this is my revenue for the month of April through monetization. And to be very frank, सब कुछ अच्छा चल रहा था. Subscribers rate, growth, income source through monetization, sponsorship, digital marketing, everything was good before lockdown. And to know what happened after lockdown, to know this decreasing graph, do watch this complete video. Okay, let me show you something. And go to YouTube and search Branded Sai. B-R-A-N-D, Branded Sai. Search Branded Sai. This is my channel and अभी मैं एक अपलोड किया वीडियो एंड जस्ट बिफोर 1 आवर. दिस इज द वीडियो. डू वॉच दिस वीडियो. आफ्टर 1 वीक में एक वीडियो बनाया एंड दिस वीडियो स्पेशलिटी इज ओके. लेट मी बी वेरी जेन्युइन एंड व्हेनेवर आई फील लाइक आई एम डिप्रेस्ड, व्हेनेवर आई फील लाइक आई एम स्टक समवेयर इन माय लाइफ और व्हेनेवर आई फील लेस मोटिवेटेड, द फर्स्ट थिंग I do in my life is I change my look, and after changing my look, I feel so much energetic. I feel like 100 tons of energy coming into my body, soul, heart, brain, everywhere. So to know why I am depressed, to know where I have struck, watch this complete video. Okay. सो गाइस, अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे तो डेफिनेटली वॉच इट नाउ. एंड अभी मैं जाऊंगा, ब्रेकफास्ट बनाऊंगा, ब्रेकफास्ट खाऊंगा एंड मैं खुद नहीं खाऊंगा, आपको दिखाऊंगा भी मैं क्या खा रहा हूँ एंड आपको सिखाऊंगा भी मैं क्या खा रहा हूँ. सो आप लोग ये वीडियो देखो. दिस इज माई लेटेस्ट वीडियो. आज ही अभी 1 आवर के पहले मैं अपलोड किया एंड अभी नया वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसको भी कल मैं तो परसों अपलोड करूंगा. सो वॉच दिस वीडियो एंड मैं अभी जाकर खा. सो फ्रेंड्स, आज का ब्रेकफास्ट में हम बनाएंगे मेरा फेवरेट चाउमीन. सो चलो आज के वीडियो शुरू करते हैं. सो गाइस, मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया एंड मैं अभी मेरा सेकंड चैनल जो कि JBS ओडिया ब्लॉग्स ओडिया चैनल के लिए वीडियो शूट करूंगा. शूट करने के बाद उसको एडिट भी करूंगा एंड उसको आज शाम को ही अपलोड करूंगा. एंड जैसे कि मैं एक इनिशिएशन लिया मेरा सेकंड चैनल में कि 100 डेज 100 ट्यूटोरियल वीडियोस बनाऊंगा बेस्ड ऑन डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, टिकटॉक मार्केटिंग, सबके बारे में ट्यूटोरियल वीडियोस बनाऊंगा. मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सब कुछ शेयर करूंगा इन ओडिया, बिकॉज बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे चाहते थे कि मैं ओडिया में वीडियोस बनाऊंगा. तो स्पेशली उनके लिए एक चैनल खोला. उस चैनल में अभी के लिए प्रेजेंटली लॉकडाउन सिचुएशन में बाहर जाकर कुछ बना नहीं सकता ब्लॉग्स. सो करेंटली आई हैव डिसाइडेड टू मेक सम होम ब्लॉग्स लाइक ट्यूटोरियल ब्लॉग्स एक्सेट्रा. सो अभी तक अराउंड 10-15 वीडियोस बना चुका है. अभी तक आप लोग नहीं देखे वीडियो, चैनल के बारे में नहीं जानते, अभी तक नहीं देखे तो डेफिनेटली मेरा लिंक्स चेक करो एंड गो एंड सब्सक्राइब करो चैनल एंड डेफिनेटली फॉलो करो. बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एजुकेशनल वीडियोस बनाऊंगा एंड डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा मैं 100% देने के लिए. सो अभी वीडियो शूट करूंगा, एडिट करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा एंड उसके बाद एट द एंड ऑफ द वीडियो सब कुछ खत्म होने के बाद ए ब्लॉग कंटिन्यू करूंगा. सो डू वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली बिकॉज एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको मेरा अप्रैल मंथ का रेवेन्यू रिवील करूंगा एंड बहुत इंटरेस्टिंग होगा एंड बहुत रेवेन्यू के बारे में भी बहुत कुछ बोलूंगा मैं. आज सुबह मैं सब सोचा एक वीडियो ब्लॉग बनाऊंगा एंड मैं सोचा कौन सा टॉपिक में बनाऊंगा. तो मैं सोचा क्योंकि अब अप्रैल खत्म हो गया एंड मई स्टार्ट हो गया एंड लॉकडाउन भी चल रहा है एंड दुनिया में जो भी बिजनेस है, जो भी इनकम है, सबका अटक गया. तो ऑब्वियसली यूट्यूबर्स भी बहुत इफेक्ट हुए एंड यूट्यूबर्स का जो इनकम है वो भी बहुत इफेक्ट हुआ. सो
आज मैं मेरा जो इनकम सोर्स था उसके बारे में बोलूंगा। एंड बताने से पहले आप लोगों को बोल दो, मुझे हमेशा मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी मुझे जानते हैं सब कुछ हमेशा पूछते हैं, भाई व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम, यूट्यूब पे मनी कैसे जनरेट होता है, रेवेन्यू कितना आता है, हमेशा पूछते हैं। एंड आई ट्राई माई बेस्ट, मैं हमेशा उन लोगों को एक्सप्लेन करूँ एंड उन लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ कि यूट्यूब का रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है। एंड फिर से एक बार मैं आज आप लोगों को कुछ यूट्यूब के रेवेन्यू के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू पीपल व्हाट इज द सिचुएशन बिफोर लॉकडाउन एंड आफ्टर लॉकडाउन basically in this YouTube business and YouTube for YouTubers. So basically being a YouTuber, I know what are the drawbacks and how to generate money, how what is the main source of income in YouTube field. So aap logo clear se bata do, before lockdown I mean April se pehle it was very good, sab kuch acha chal raha tha. I mean the way of income source through monetization was good, stable. Through sponsorship, every month I used to get sponsorship to promote their business, to service products. उसे एक income source था, तो एक हो गया monetization income source और second हो गया sponsorship income source. So when you start making YouTube videos and after reaching a certain level, आप एक level पर तब चले जाओगे तो automatically revenue generate हो जाएगा through income of your monetizing videos and through sponsorships, personal sponsorships. This is the two ways of income source. मेरा भी अच्छा चल रहा था and सब कुछ अच्छा चल रहा था and side में मैं digital marketing भी कर रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था. But when the lockdown started, everything totally changed. Not in my life, but also in other people life also. Everything totally changed. So अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे मेरा lockdown के वजह से मेरा income source पूरा बंद हो गया and YouTube भी बहुत कैसे पूरा low में चल रहा है and what is exact income, exact revenue of my April 2020. So अभी हम dashboard में जाएंगे and आप लोगों को दिखाऊंगा. So आप लोग जैसे देख रहे हो, this is my dashboard and this is my latest video जो मैं बनाया था and why I am depressed. आप लोग definitely देखो वो video, बहुत interesting video है and उसका एक दिन में views गया 791 only. ओके, आफ्टर लॉकडाउन मेरा व्यूज पूरा कम गया एंड उसके बारे में मैं बोलूंगा क्यों कमाए एंड डेफिनेटली आप कमेंट करो, जानना चाहते तो मैं बोलूंगा. सो अभी आपको मेरा रेवेन्यू दिखाऊंगा. सो यू हैव टू गो टू एनालिटिक्स. आप लोग देख सकते हो दिस इज द रेवेन्यू पेज एंड मैं अभी आपको अप्रैल मंथ का रेवेन्यू दिखा रहा हूँ, अप्रैल लास्ट 28 डेज एंड दिस इज द रेवेन्यू विच आई हैव गॉट फ्रॉम यूट्यूब इन दिस लॉकडाउन पीरियड. ओके, जैसे कि आप लोग देखे दिस इज माई रेव्यू न्यू ऑफ अप्रैल, ओनली $7.10 एंड ओके दिस इज आई कैन से दिस इज द लोएस्ट रेवेन्यू विच आई अर्न आफ्टर मेरा मोनेटाइजेशन स्टार्ट होने के बाद एंड इन दिस लास्ट 6-8 months दिस इज द लोएस्ट रेवेन्यू विच आई अर्न जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन पीरियड. एंड आप लोग को एक बात बता दूं, मैं खाली इस अप्रैल में खाली 10 वीडियोस ही अपलोड किया एंड 10 वीडियोस में बहुत ही मिनिमम व्यूज आया एंड नो वीडियो गॉट वायरल एंड बहुत ही कम व्यूज मिले एंड बेसिक रीजन इज कोरोना वायरस के लिए एंड बहुत सारा ट्रेंडिंग टॉपिक्स कोरोना वायरस के लिए जा रहा था एंड स्टार्टिंग अप्रैल 1 से अप्रैल 20 तक जो भी कोरोना रिलेटेड वीडियोस थे उनमें से मोनेटाइजेशन भी नहीं हुआ. अभी स्टार्ट हुआ उनमें से मोनेटाइजेशन कोरोना वायरस के वीडियोस में अभी स्टार्ट हुआ, पर आगे नहीं था, आगे डिसेबल कर दिए थे यूट्यूब, तो इसलिए बहुत ही कम रेवेन्यू था. एंड दिस इज माय एक्चुअली इनकम ऑफ अप्रैल. सो बहुत ही कम एंड इवन स्पॉन्सरशिप भी बंद हो गया एंड बहुत ऐसा कुछ चल रहा है. सो इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट रेवेन्यू यूट्यूब जनरेशन, मेरा कैसे यूट्यूब रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, आगे कितना जनरेट हो रहा था, पहले कितना मेरा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था एंड यूट्यूब से कैसे इनकम करते हैं, वो सब कुछ जानना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट करो. मैं पूरा एक अच्छा वीडियो आप लोग को डिजाइन करूंगा, उसमें मैं आपको खाली बताऊंगा टिप्स एंड टेक्निक्स हाउ टू अर्न मनी एंड हाउ डू आई अर्न मनी इन यूट्यूब.
बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। एंड और एक बात, मेरा सेकंड चैनल में आज ही मैं एक वीडियो अपलोड किया, यू शुड नॉट क्रिएट यूट्यूब चैनल टू अर्न मनी, उसके बारे में ओडिया में एक स्पीच दिया एंड ओडिया में तो एक्सप्लेन किया। डेफिनेटली वो वीडियो आप लोग देखो एंड आप लोग देखो वो मेरा सेकंड चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब करो एंड सब्सक्राइब करके शेयर करो। एंड डेफिनेटली आप लोग के लिए मैं खोला था, क्योंकि बहुत जन मुझे बोल रहे थे ओडिया में वीडियोज बनाने के लिए। एंड दिस इज ऑल अबाउट टूडे। एंड नेक्स्ट वीडियो में आप लोग अगर चाहते हो कि इतना कम क्यों आया और भी ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं डेफिनेटली आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। एंड आप लोगों को बताता हूँ, दिस इज द लोएस्ट इनकम एंड जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस इफेक्ट हो गया। एंड यूट्यूब में भी बहुत सारे स्पॉन्सरशिप जो करते हैं, जोमेटो स्विगी और सब कुछ बंद कर दिया एंड जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन पीरियड सब कुछ बंद हो गया। सो यूट्यूबर्स भी बहुत घाटा हुआ, उनका भी बहुत लॉस हुआ। एंड अभी भी जो भी वीडियोज हम लोग अपलोड करते हैं तो उनमें सब व्यूज नहीं जाता है। एंड होप सो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आई होप एवरीथिंग गेट्स बैक। एंड जैसे चैनल चल रहा था, जितना रेट से चैनल चल रहा था वैसे सब कुछ चलेगा। एंड आप भी विश करो, मैं भी विश करूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून एंड डू कमेंट नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा टॉपिक में देखना चाहते हो। थैंक यू एंड स्टे ट्यून टू जयपुर बैंडिट्स।